हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। दिस इज माय बीटेक सीरीज, अप्लाइड मैथमेटिक्स सीरीज फॉर बीटेक। बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है बेटा ये पेपर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसका ये टॉपिक चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज। इसमें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट आपको करवाया था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे हमने। कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे तो वो क्वेश्चंस हम आज करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टेस्ट है तो मैं इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ आपको। तो आज सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं एडवाइस करूँगी कि इससे पहले का लेक्चर आप देखिए आए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट तो मैंने वहीं समझाया है लिमिट फॉर्म वाला। तो प्लीज़ क्लास इससे पहले वाला लेक्चर देखिए आप, ठीक है? चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चा। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस गिवन सीरीज, राइट? ये सीरीज आपको दे रखी है, इसकी कन्वर्जेंस बनानी है। तो आप देखो एन की फॉर्म में तो आपको डेटा गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसके एन की फॉर्म लिखनी, एनथ टर्म लिखनी पड़ेगी यू एन एन की फॉर्म में। आप देखो बेटा आपको क्या दिख रहा है, टू थ्री फोर न्यूमरेटर में दिख रहा है, रूट टू रूट थ्री रूट फोर, और नीचे क्या दिख रहा है, अगर ऊपर टू है तो नीचे थ्री है, ऊपर थ्री है तो नीचे डिनोमिनेटर में फोर है। तो हमारी जनरलाइजेशन टर्म कैसे बनती दिख रही है आपको, देखो एन प्लस वन रूट माइनस वन अपॉन एन प्लस टू होल क्यूब माइनस वन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एन जो है नेचुरल नंबर होता है और ये एन टू से स्टार्ट हो रहा है, तो एन प्लस वन लिया होगा तभी ये बना होगा। अगर किसी बच्चे ने एन ले लिया तो भी क्वेश्चन ठीक ही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक आधी टर्म छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने बताया था आपको कि इनफाइनाइट सीरीज में शुरू की कुछ टर्म्स छोड़ दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें से इफेक्टिव पावर ऑफ एन निकालेंगे। इफेक्टिव पावर ऑफ एन कैसे सिखाई है आपको निकालनी, कि सारे कॉन्स्टेंट्स रिमूव करते जाइए, यही सिखाया है। तो देखो ये यहां से इफेक्टिव पावर रूट एन आएगी और नीचे से इफेक्टिव पावर क्या आ जाएगी, एन क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना बन गया, तो माइनस फाइव बाय टू, ठीक है? तो हम वी एन को क्या ले लेंगे बेटा, वन बाय एन की पावर फाइव बाय टू, ठीक है क्लास? यही सिखाया था आपको लेना। अब हमें क्या निकालना होता है, यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यू एन अपॉन वी एन निकालोगे। तो यू एन क्या है बेटा मेरा, एन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन की पावर फाइव बाय टू। मैंने आपको सिखाया था कि पावर ले, जब ये वी एन डाल लो ना तो ये देखा करो ये वी एन हमारे पास आया कैसे था। देखो ये इसके बराबर ही था ना, एन फाइव बाई टू आया इसी के बराबर था ना, तो इसको ना ऐसे ही लिख लिया करो, इससे लिमिट निकालने में आपको हमेशा आसानी रहेगी। एन फाइव बाई टू को कैसे लिख लो, एन क्यूब अपॉन रूट एन, क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ है ना बेटा, यू एन बाय वी एन है, ठीक है? अब देखो रूट के साथ रूट वाली टर्म ले लो और क्यूब के साथ क्यूब वाली टर्म ले लो, ठीक है? देखो अब आपको पता है कि इस पूरी टर्म के अंदर लिमिट निकालने के लिए एन से डिवाइड कर लो हर टर्म, ऐसे ही निकालते आ रहे हो, हर टर्म को एन से डिवाइड कर दीजिए तो ये वन हो जाएगा। देख लो खोल के देखो, नीचे वाली टर्म वापस आ जाएगी, और इसमें किससे डिवाइड करोगे, एन क्यूब से डिवाइड कर दोगे और इसके अंदर एन क्यूब चला जाएगा तो ये ऐसे ही बनेगा हर टर्म, ठीक है ना? ऐसे ही निकाल दो बेटा लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली, राइट? अब लिमिट ले लो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाय एन रूट माइनस वन बाय एन अपॉन रूट वन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? लीजिए लिमिट, एन को इन्फिनिटी डाला तो वन अपॉन एन जीरो हो जाएगा, तो रूट वन ऊपर आ जाएगा, माइनस जीरो अपॉन रूट वन, और यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस जीरो, ठीक है? तो ये क्या आ गया, रूट वन, तो आपके सॉरी वन ही लिख लेते हैं, रूट वन की जगह वन आ गया। तो आपको पता चला कि लिमिट जो है नॉन जीरो एंड फाइनाइट है, ठीक है?
तो हमारा क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन जो आया है वो 1 आ गया और वो नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। तो बाय लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट या बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या बोलता है हमें, द टू सीरीज सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर। यही सिखाया था बेटा। दोबारा से एक बार आपको साइड में लिमिट फॉर्म टेस्ट बता देती हूँ। देखो, अगर हमारे पास सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो आप क्या करते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकालते हो। सपोज कर लो ये एल आ गई जो कि एक नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर है, ठीक है। अगर नॉन जीरो और फाइनाइट लिमिट निकल कर आती है देन सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ये सिखाया था मैंने आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जिसके ऊपर मैंने 6-7 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिए थे, इसका प्रूफ भी करा दिया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं अभी और कराना चाहती थी, उसके लिए ये वीडियो है हमारी, ठीक बेटा। चलिए, हो गया ये, तो हमारा आंसर आ गया कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। बट सिग्मा वी एन हमने लिया क्या हुआ है, सिग्मा वी एन हमारा है 1/n^5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी एन 1/n^5/2। आपको पता है कि अगर सिग्मा 1/np सीरीज जो होती है वो कन्वर्ज करती है इफ p ग्रेटर देन 1। ये भी लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाई, देखो रीजन लिखवा देती हूँ। बिकॉज सिग्मा 1/np कन्वर्जेस, इस तरीके की जितनी भी सीरीज होंगी वो कन्वर्ज करती हैं इफ p इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर मेरा p क्या है 5/2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो सिग्मा 1/n^5/2 आपका कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है बेटा। देयरफॉर सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, लंबी सीरीज है लिख लेते हैं ऐसे, सिग्मा यू एन ऑल्सो कन्वर्जेस। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। सिग्मा 1/2n-1 टू दी पावर p, ये दे रखा है, इसकी कन्वर्जेंस आपको टेस्ट करनी है। मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है वो मेरा यू एन है, ठीक है। इसकी इफेक्टिव पावर निकाल लो, वो वी एन हो जाएगा। देखो मैंने बताया इफेक्टिव पावर निकालने के लिए कॉन्स्टेंट्स रिमूव करते चले जाओ, तो ये एक तरीके से 1/2n^p हुआ। दिस इज 2 को भी रिमूव कर देते हैं तो ये किसके बराबर हुआ, एन पी। तो मैंने वी एन को ले लिया एन पी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम निकालते हैं यू एन अपॉन वी एन, तो यू एन आ गया ये और वी एन आ गया दिस, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन अपॉन 2n-1 की पावर, ठीक है। और सॉरी ये है मेरा यू एन अपॉन बी एन। अब लीजिए इसकी लिमिट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन, तो एन अपॉन 2n-1 की पावर p। अब इसकी लिमिट कैसे लोगे बेटा, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ लिमिट लिमिट ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो ये लिमिट वर्ड अंदर चला जाएगा, p बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप p मतलब ये p टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबके साथ लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट कैसे लेंगे इसकी, n से डिवाइड कर दे, यही सिखाया हुआ है, जो इफेक्टिव पावर है हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, यही आ जाएगा। अब n को इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/n0, तो लिमिट क्या आ गई 1/2 की पावर p। अब देखो p कोई भी एक नंबर क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, p नहीं गिवन है तो p कोई भी नंबर है, ठीक है, रियल नंबर लिख लो, p कोई भी रियल नंबर होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें हर एक p के लिए जवाब देना है अब इसको, ठीक है। पहले तो ये तो पता चल गया कि ये नॉन जीरो एंड फाइनाइट है, ये तो होगा ना हर हाल में p की कोई भी वैल्यू। दिस इंप्लाइज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट द गिवन गिवन सीरीज में सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेस और
डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। बट सिग्मा वी एन क्या है बेटा मेरे पास, सिग्मा वन बाय एन पी, ठीक है। इट कन्वर्जेस, आपको याद ही है डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो रहा है, इफ पी ग्रेटर देन वन, एंड डाइवर्जेस इफ पी लेस देन इक्वल टू वन। इसका प्रूफ अभी रह रहा है, वो मैं करा दूंगी बेटा आपको, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हमारी जो सिग्मा यू एन होगी बेटा, क्योंकि सिग्मा वी एन जैसे कन्वर्ज करेगा ऐसे सिग्मा यू एन भी करेगा। सिग्मा यू एन कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड सिग्मा यू एन डाइवर्जेस इफ पी लेस देन इक्वल टू। तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा। सिग्मा वी एन वो सीरीज होती है जिसके बारे में हमें पता है, उससे हम मेन सीरीज का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया किस तरीके से करना है क्वेश्चन, राइट। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस देखो। एन प्लस वन अपॉन एन की पावर पी, या तो ये आ जाता है या फिर वो क्या लिख देते हैं, टू अपॉन वन की पावर पी, थ्री अपॉन टू की पावर पी, फोर अपॉन थ्री की पावर पी, ऐसे करके लिख देते हैं। तो देखो बेटा अगर ऐसे लिखा हो, एन ना लिखा हो, तो एन आपको पहले खुद लिखना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो सब बच्चे नीचे डिनोमिनेटर में वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर नीचे वन है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में टू है, नीचे टू है तो ऊपर थ्री है, तो ऊपर एन प्लस वन है तो नीचे एन है, ठीक है। अगर आपको खुद लिखना पड़ जाए तो इस तरीके से मेरा यू एन बन गया, क्लियर। अब वी एन निकालना है तो देखो जरा कैसे बनेगी इसकी वी एन। आप कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करो तो देखो ऊपर से प्लस वन को रिमूव किया तो ये रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, वन अपॉन एन टू दी पावर पी माइनस वन, ठीक है। तो मैं वी एन को क्या ले लूंगी, वन अपॉन एन टू दी पावर पी माइनस वन। अब बेटा लिमिट निकालो यू एन अपॉन वी एन की, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस वन टू दी पावर एन पी, और ये ऊपर चढ़ गया तो ये आ गया, ठीक है। अब लिमिट लेनी है तो आप क्या करोगे, इसको एन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर पी, और इसको मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है ना, एक्सपोनेंट का रूल लगा लिया। तो देखो बेटा मैंने हमेशा सिखाया है आपको, जैसे ये एन पी माइनस वन है ना बेटा, देखो ये आया कहाँ से है, ये ऐसे ही आया ना एन अपॉन एन पी, तो इसको ना उसी फॉर्म में लिख लो एक बार ही डाल के भी एन, और ऊपर से देखा करो ये आया कैसे, उससे आपको ये पता चल जाएगा, लिमिट लेने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब एक एन इसके साथ ले लो, पी वाले के साथ पी वाली टर्म काट दो, आ गई ना लिमिट आसानी से, ठीक है। तो जैसे ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है ना वी एन, वैसे ही ले लिया करो, पहले एक बारी लिख ली वी एन क्या है, फिर ऊपर से उठा लो वैल्यू। ये आ गया, इसकी लिमिट कितनी आ गई, वन, जो कि एक नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर है आपके पास, ठीक है। देयरफॉर बाय, बेटा ये लिखना आना चाहिए, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म कुछ भी लिख सकते हो। देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दोनों सीरीज सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। अब हमें सिग्मा वी एन के बारे में मालूम है तो हम सिग्मा वी एन का डिसीजन लिख लेते हैं क्या होगा। सिग्मा वी एन क्या है मेरी, वन बाय एन टू दी पावर यरी वन बाय एन टू दी पावर पी माइनस वन, ठीक है। तो आपको पता है इस तरीके की सीरीज कब कन्वर्ज करती हैं, जब इसकी पावर जो होती है ग्रेटर देन वन होती है, वेन पी माइनस वन इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, दैट इज इसको वन को इधर ले गए तो वन प्लस वन हो गया टू, ठीक है। एंड डाइवर्जेस इफ जो पावर है वो लेस देन इक्वल टू वन होती है आपकी, यही बताया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू टू। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, सिग्मा यू एन कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन टू एंड डाइवर्जेस इफ पी इज लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आता है, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और देख लो क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे वन टू थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर, ठीक है, फिर है थ्री फोर फाइव स्क्वायर सिक्स स्क्वायर फाइव सिक्स सेवन स्क्वायर एट स्क्वायर। इसमें बेटा पहले जनरलाइज टर्म लिखिए क्योंकि एन की फॉर्म में नहीं है। तो देखो मेरे को कैसे दे रखा है,
बेटे आपस में भी कनेक्ट होने चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और दो टर्म्स भी आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। देखो आप जरा ऊपर यहाँ पर जहाँ मेरी पेंसिल है, यहाँ टू होता है तो नीचे फोर होता है, यहाँ वन है तो यहाँ थ्री है, ठीक है। ऐसे ही देखो वन फिर थ्री फिर फाइव, फर्स्ट टर्म सबकी ऑड है, सेकेंड टर्म देखो टू फोर सिक्स सबकी इवन है। तो ऑड के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मेरा, टू एन माइनस वन, और इवन के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टू एन। तो ऊपर का न्यूमरेटर तो एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे टू यहां पर है तो यहां फोर है, तो यानी कि यहां टू एन है तो यहां पर टू एन प्लस टू रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे देखो ऊपर वन है तो नीचे थ्री है, दो नंबर बढ़ गए, तो टू एन माइनस वन में टू ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टू एन प्लस वन इसका स्क्वायर। इस तरीके से बेटा इसकी क्या बन गई, हमारी जनरलाइज टर्म बन गई है, ठीक है। अब इसके अंदर से कांस्टेंट रिमूव करके इफेक्टिव पावर निकालो। देखो 2n माइनस 1 का n बन गया, 2n का n बन गया, 2n प्लस 1 का n बना उसका स्क्वायर है, 2n प्लस 2 में से प्लस 2 गायब करा, दोनों 2 गायब कर दिए तो फिर से n स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो मेरी क्या आ गई सीरीज, n स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने vn को क्या मान लिया बेटा, n स्क्वायर मान लिया, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, un अपॉन vn, ठीक है। तो un है मेरा ऐसे, un ये लिख लिया राइट, और vn है तो ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा हर एक ब्रैकेट के साथ एक एक n कवर कर लेना, ठीक है ना, उससे आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये n स्क्वायर आपका कैसे बना हुआ है, इसको नीचे लिख लेते हैं एक बार, un अपॉन vn है, इसको मैं नीचे लिख लूं, 2n माइनस 1 अपॉन 2n, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो बेटा ये n स्क्वायर जो है ना, ये यहां से आया ना इसी से, और ये कैसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया ना, देखो ऐसे आया ना। तो ये समझ लो आपको इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है, क्योंकि un अपॉन vn होता है। तो हम 2n स्क्वायर ऊपर लिख लेते हैं और 2n नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 2n स्क्वायर ऊपर कर लो और 2n नीचे कर लो, ऊपर जैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है ना उसी को लिख लो, लिमिट लेने में हमेशा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर की टर्म रख लेना n की, और उसके साथ वो वाली रख लो, देखो ऐसे कर लिया, n स्क्वायर इस वाले के साथ ले लिया और एक n स्क्वायर इसके साथ, जहां से जो टर्म निकली होती है ना उसी के साथ ले लिया करो, लिमिट लेने में हमेशा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी देखो डिवाइड करो, अब इसको मैं ऐसे ही डिवाइड करूंगी, ठीक है ना, ये तो n से n कट गया, और ये n स्क्वायर है ना, तो इसको n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लो, इसको n अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है बेटा। अब लिमिट ले लेना, लिमिट एक और स्टेप लिख लेते हैं, आसानी रहेगी, 2 माइनस 1 बाय n, और ये हो गया 2, और इसको n से और डिवाइड करके लिख लो, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है बेटा। अब लो लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn। अब लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 माइनस 1 बाय n इंटू 2, ऐसे ही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाय n होल स्क्वायर, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 प्लस 2 बाय n होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2, और यहाँ से देखो बेटा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो 1 बाय 2 स्क्वायर भी है तो 1 बाय 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से भी 1 बाय 4 आ जाएगा। तो ये कट के कितनी आ गई लिमिट, सारी 1। तो ये क्या है बेटा मेरा, एक नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर आता है। तो फिर से वही बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सिग्मा un एंड सिग्मा vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। बट सिग्मा vn बेटा मेरा क्या था, सिग्मा 1 बाय n स्क्वायर, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज सिग्मा un ऑल्सो कन्वर्जेस, ठीक है बेटा। सारा खेल ये है कि vn कैसे सिलेक्ट करना और लिमिट कैसे निकालना, बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चा कर पाता है। एक nth टर्म लिखनी अगर आ जाए
तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अब देखो बेटा एक और नए से तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्स अपॉन रूट फाइव, एक्स वाले क्वेश्चन नहीं कराए ना आपको, एक्स फाइव बाय रूट नाइन प्लस डैश डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ही गिवन है ना। यस देखो पहले तो nth टर्म लिखो, un क्या होगा, आप देखो न्यूमरेटर देखेंगे x की पावर 1 फिर 3 फिर 5, 1 3 5 ऑड नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन 2n माइनस 1। ठीक है, अब नीचे देखो, ऊपर 3 है तो नीचे 7 है, ऊपर 5 है तो नीचे 9 है, यहाँ पे पावर 1 थी तो 5, तो 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2n माइनस 1 अगर पावर हो तो इसमें 4 ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, तो 2n प्लस 3, तो नीचे 2n प्लस 3 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, ये तो un निकल आया। अब vn निकालना है ना, तो vn निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, इफेक्टिव ये तो बेटा उससे लगेगा क्वेश्चन आपका, x आ गया ना क्वेश्चन में, सॉरी ये तो बेटा रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन, ये नहीं होगा बेटा सॉल्व क्योंकि इसमें x आया हुआ है ना आपका, x वाले क्वेश्चन बेटा रेशियो टेस्ट से लगेंगे, मैं कराऊंगी आपको रेशियो टेस्ट वाले क्वेश्चन, अभी कराया नहीं है रेशियो टेस्ट तो अभी इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि x की पावर नहीं निकाल पाएंगे ना बेटा हम इफेक्टिव पावर, तो इसलिए x जहाँ पे दिख रहा होगा तो क्वेश्चन में रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं अभी और देखते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास कोई है तो, चलो ये देखते हैं, सिग्मा 1/2 टू द पावर n 50 प्लस 2/n, जो डिफरेंट से क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं वो करा रही हूँ आपको, या जो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, दो तीन क्वेश्चन करके बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बेटा क्वेश्चन n के फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्ट n ही लिख दिया हमने, ठीक है un लिख दिया। अब vn क्या होगा, देखो कैसे निकाल लें vn इसके अंदर, एक बारी लगा के देख लेंगे। देखो ये 2/n तो लिमिट लेते समय दिक्कत नहीं देता ना, तो ये 2 की पावर n ही ले लें इसके अंदर, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, ठीक है इससे देख लेते हैं निकाल कर, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो हमारी क्या आएगी बेटा लिमिट, 1/2 टू द पावर n 50 प्लस 2/n बी एन रेसिप्रोकल होकर ये बन जाएगा, तो देखो कट गया, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 50 प्लस 2/n। ठीक है, अब लिमिट ले लो, n को इन्फिनिटी डाल देंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 50 लिमिट आ गई, जो कि नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्लियर। बट सिग्मा वी एन क्या है मेरे पास, सिग्मा वी एन था 1/2 की पावर एन, इसके बारे में कौन बच्चा बताएगा हमें कि क्या होना चाहिए, याद है आप लोगों को कि ये आर एन सीरीज है आपकी, सिग्मा आर एन सीरीज है, तो ये कन्वर्ज करती है बिकॉज कॉमन रेशो जो थी इसके अंदर आर, बिकॉज आर जो है 1/2 है विच इज लेस देन 1, हमने बताया था मॉड आर लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ रिजल्ट, यहाँ पे हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया है, सिग्मा आर एन कन्वर्जेस इफ मॉड आर लेस देन 1, ठीक है यही बताया था आपको इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, तो मेरी आर क्या थी 1/2 जो कि हमारा छोटा था 1 से, इसलिए ये सीरीज कन्वर्ज कर गई, तो इसका मतलब सिग्मा यू एन ऑल्सो कन्वर्जेस। बेटा वी एन सीरीज ऐसी लेनी भी जरूरी है जिसके बारे में आप जानते हो, अगर आप बाई चांस वी एन के अंदर कुछ और ले लेते साथ में 2/n ले लेते तो उसकी कन्वर्जेंस आपको नहीं मालूम थी। मान लो कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं इसमें से 1/2n ले लूँ और 2/n का 1/n ले लूँ, तो 1/n 2n सीरीज की कन्वर्जेंस आपको नहीं मालूम, तो आपके लिए लिमिट भले ही निकल जाती पर फिर से आपसे दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस आपको नहीं मालूम, तो हमेशा कोई नॉन सीरीज ली जाती है बीएन के अंदर, तो नॉन सीरीज में सिग्मा 1/n भी आपकी एक सीरीज हो गई और एक ज्योमेट्रिक सीरीज जिसके बारे में मैंने आपको सिखा रखा है, तो उनसे आपका काम चल जाता है। ठीक है, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस से भी चीजें आ जाती है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अलग से, सिग्मा एन प्लस 1/n देखते हैं इसी टेस्ट का है क्वेश्चन के नहीं है, तो देखो बेटा यू एन बन गया एन प्लस 1/n टू द पावर माइनस 1,
अब ये माइनस वन तंग करता है, इसको पहले नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये बन गया राइट। सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया बेटा आपने, ये नहीं है। देखो n की पावर 1 प्लस 1 बाय, ये क्वेश्चन है और इसको माइनस वन है, तो un हो गया बेटा दिस वन, ठीक है। इसको न्यूमरेटर इसको से डिनोमिनेटर में ले गए तो ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n की पावर 1 बाय n, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? ठीक लिखा ना मैंने, क्लियर। अब देखो बेटा vn क्या ले, जिससे लिमिट निकल जाए। vn को मैंने ले लिया n 1 बाय n, ठीक है। लिमिट देखते हैं निकाल के, हमारे से निकलती है इससे कि नहीं निकलती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn कितना आ जाएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un कितना है? 1 बाय, देखो अब ये जो मैं पूरा सॉल्व करती हुई आई हूँ ना, मैं उसी को ही लिखूंगी, n n 1 बाय n, ठीक है। और ये ऊपर चढ़ गया, ठीक, ये इससे कट गया, क्लियर बेटा। देखो पूरा का पूरा आप सोचो, इफेक्टिव पावर ले लूँ मैं और n रूट n ही vn ले लूँ, तो ये तो हमें आंसर ही निकालना है, इसका तो हमें खुद ही आंसर निकालना है, तो हम vn पूरा का पूरा नहीं ले सकते, ठीक है ना, कि हम इसी को पूरा vn मान ले, तो un और vn बराबर हो गए तो फिर फायदा क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर? वो तो हमेशा ही लिमिट बन दे दे, फिर हमें un का आंसर कैसे निकालें जब हमें vn उसका पता ही नहीं है तो, ठीक है vn के बारे में। तो ये आ गया, तो अब मुझे क्या निकालनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1 बाय n। अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इस टाइप की लिमिट निकलवाई थी आपसे एल हॉपिटल्स रूल लगा के, ठीक है। तो सुन लीजिए, नहीं याद है तो, लिमिट n की पावर 1 बाय n एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होती है 1, इसके अंदर एल हॉपिटल्स रूल लगा के इसकी लिमिट निकाल लेना, ठीक है। मैंने इसकी किसी लेक्चर में इससे पहले कराई भी है ये लिमिट, राइट। तो ये लिमिट कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई मेरे पास, ठीक है, क्योंकि लिमिट ऑफ क्वोशेंट इज क्वोशेंट ऑफ लिमिट, तो 1 अपॉन लिख देती हूँ इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n 1 बाय n, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। तो नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर, बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स, उनको याद कर लें, ठीक है। जैसे ये वाली भी है और एक 1 प्लस 1 बाय n टू दी पावर n इक्वल टू e भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, मैं लिख भी दूंगी अभी, ठीक है। ये आ गया, दिस इम्प्लाइज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, सिग्मा un एंड सिग्मा vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है बेटा। अब देखो आगे हमें क्या मालूम है, बट सिग्मा vn क्या लिया हुआ है मैंने 1 बाय n, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज सिग्मा un ऑल्सो डाइवर्जेस, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बेटा बहुत सारे मेरे ख्याल 10-15 क्वेश्चंस करा दिए हैं इसके, अब मेरे ख्याल से तो सब बच्चों को आ जाना चाहिए ये चैप्टर, ये वाला टेस्ट अब अच्छे से, बाकी और प्रैक्टिस करते रहोगे बेटा, किसी भी बुक से लेके क्वेश्चंस जितने मिलते हैं सारे ट्राई कीजिए, आपको अपने आप समझ आएगा, टॉपिक अपने आप जनरलाइज करना आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समराइज कर दूँ कुछ एक चीज़ें, ताकि आपने जितना ये चैप्टर सीखा है आपको आसानी रहेगी। एक तो बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज सिग्मा आर एन जो है, ये वाली 1 प्लस r + r² + r³ वाली, ये आपकी कब कन्वर्ज करती है बेटा, जब मॉड आर लेस देन 1, ठीक है। और आपका अगर r ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो सीरीज जो होती है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज करती है, ये सिखाया आपको, ठीक है। और r लेस देन इक्वल टू -1 करता है तो ये सीरीज आपकी ऑसिलेट करती है। मैंने ये सारी बातें आपको पूरा प्रूफ आपको इसका मैंने लेक्चर में कराया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सबको आता होगा अच्छे से, ये अच्छे से याद करना क्योंकि ये क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन दोनों डाइवर्जेंस के अंदर ही आती है, क्योंकि इस क्वेश्चन हमेशा ये होता है टेस्ट वेदर द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, ऑसिलेट नहीं होता कभी भी,
तो अगर बाई चांस ऑसिलेट आ जाए तो वो भी डाइवर्जेंट के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या रूल कराया, सिग्मा वन बाय एनपी सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है आपकी इफ पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, और ये डाइवर्ज करेगी इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन। हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन, एक मिनट, वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन जो होता है ये ई होता है, ठीक है। और एक लिमिट हमने कौन सी इस्तेमाल करी, एन वन बाय एन वाली ना, ये नेक्स्ट है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन वन बाय एन आपका वन होता है। इसको करने के लिए एल हॉपिटल्स रूल से ये मैंने आपको कराया भी है, ठीक है, एग्जाम में आए तो पूरा लगा भी सकते हैं। तो बेटा ये दो चार चीज़ें हैं जो आप अगर क्वेश्चन में याद कर ले तो आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या कोई भी टेस्ट जो है आसानी से लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाकी बच्चे प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कोई और टेस्ट कराऊंगी, ठीक है। और ये वाला जो सिग्मा वन बाय एन पी सीरीज़ है ये बड़ी टिपिकल स्टैंडर्ड सीरीज़ है, इसका प्रूफ अभी रह रहा है, मैं वो भी करा दूंगी आपको, ठीक है, एक दो लेक्चर्स के अंदर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।